झुकवाने का। मैं दिनकर का वंशज हूँ, दिनकर की गाथा गाऊंगा और सोती सोती जनता को भी आज जगा कर जाऊंगा। और जब तक मुझ में सांस रहेगी मैं तब तक चिल्लाऊंगा, और जिस दिन मेरी कलम रुकेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। क्या बात! धारा 370 के पक्ष में पढ़ने से पहले विपक्ष में भी पढ़ा। मेरे दादा कह कर गए 2014 के बाद सब कुछ बदल गया। मित्रों, बहुत कुछ नहीं बदला था, हम कवियों ने वहां भी खड़ा हुआ, वरना लोग सत्ता में आने के बाद वादे भूल गए थे। तब हमें यह तक कहना पड़ा कि 56 इंची सीने की ताकत जम्मू में दिखलाते। धारा 370 हटाने वाले महबूबा मुफ्ती को समर्थन देकर बैठ गए थे, तब हम कवियों को खड़ा होना पड़ा। 56 इंची सीने की ताकत जम्मू में दिखलाते, अरे सूरज बनकर आप चमकते, चंदा तारे छिप जाते, और वो आतंकी छोड़ रहे थे तुम गठबंधन ठुकराते, उस दिन मोदी तुम भारत के बाल ठाकरे कहलाते। लेकिन जब हटी तो हमें भी गर्व हुआ, और क्यों हटी, कैसे हटी, क्या था, कश्मीर में पढ़ता हूँ, वो ऋषों की धरती थी, वह हवन कुंड भी होते थे, वो ऋषों की धरती थी, वह हवन कुंड भी होते थे। भारत माँ के पंडित बेटे उस धरती पर सोते थे, जो भारत पर आँख उठे वो आँख फोड़ दी जाती थी, और जो भारत की तरफ बढ़े वो टांग तोड़ दी जाती थी। हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर होली ईद मनाते थे, पंडित उनके घर जाते, वो पंडित के घर जाते थे, और अमरदास के जयकारों पर मुस्लिम खुशी मनाते थे, और जिन हाथों में पत्थर है वो पत्थर पूजे जाते थे, जिन हाथों में पत्थर है वो पत्थर पूजे जाते थे। पूरी दुनिया में भारत दद्दू ये सिस्टम बिगड़ गया यार। हाँ, एक मिनट ये बहुत समझदार कार्यकारिणी ने तो पहले ही कह दिया था कि भूपेंद्र जी वीर रस का एक भी कभी मत लाना। लीजिए साहब, कब अमरनाथ के भक्तों पर भी, कब जिन हाथों में पत्थर है वो पत्थर पूजे जाते थे। पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ाया जाता था, जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी उपस्थिति में पढ़ता हूँ, पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ाया जाता था, चार वेद और उपनिषदों का ज्ञान बढ़ाया जाता था, तेरे मेरे घर के ऊपर केसरिया लहराते थे, और रमत भाई पंडित के घर मीठी ईद मनाते थे, और जाने किसकी नजर लगी थी जन्नत की फुलवारी को, उग्रवाद ने आग लगा दी मेरी केसर क्यारी, उग्रवाद ने आग लगा दी मेरी केसर क्यारी को। हाथों में बंदूकें लेकर बम को फोड़ा जाता था, और अमरनाथ की धरती पर भी मंदिर तोड़ा जाता था, कश्मीर की गली गली में पंडित खोजा जाता था, और बहन बेटियां मरना जाए तब तक नोचा जाता था। कश्मीर की गली गली में पंडित खोजा जाता था, बहन बेटियां मरना जाए तब तक नोचा जाता था, और इतना सब कुछ होने पर भी सरकारें सहजाती थी जब दिल्ली के दरबारों में हुर्रियत पूंछ हिलाती थी। जब दिल्ली के दरबारों में हुर्रियत पूंछ हिलाती थी, पर धारा हट गई 370। मित्रों, परिवर्तन पढ़ता हूँ और आप लोगों का जोश देखना चाहता हूँ, क्योंकि जिसके मन में जो आता वो सेना से कह जाता था। प्रताप सिंह जी आपकी उपस्थिति में पढ़ता हूँ क्या परिवर्तन आया, कि जिसके मन में जो आता वो सेना से कह जाता था, और भारत मुर्दाबाद बोलकर पत्थर फेंका जाता था, पर अब दिल्ली के दरबारों ने सेना से प्यार किया है जी, और घर में घुसकर गोली मारो ये अधिकार दिया है, घर में घुसकर गोली मारो ये अधिकार दिया है जी, क्योंकि धारा हट गई 370। अब भारत माँ मुस्काएगी, वो कश्मीर की धरती भी अब जनगण मन को गाएगी, और मेरी भारत माता जग में वंदन ये कहलाएंगी, और जो लोग तिरंगे जला रहे अब उनकी शामत आएगी, और जो भारत मुर्दाबाद कहे वो जीप काट दी जाएगी, जो भारत मुर्दाबाद कहे वो जीप काट दी जाएगी। क्योंकि अन्न हमारा खाते हो पर गीत विदेशी गाते हो, अन्न हमारा खाते हो पर गीत विदेशी गाते हो, भारत माने पाला पोसा इसको आंख दिखाते हो, और ये भारत की धरती है जो इतना भी सजाती है पर गद्दारों को जिंदा रखना कायरता कहलाती है, इसीलिए अब गद्दारों को रोज सुधारा जाएगा, और भारत माँ को गाली दी तो शीश उतारा जाएगा। कविता की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ साहब, परिवर्तन का भारत पढ़ता हूँ साहब। वो अमेरिका जो मोदी जी को वीजा देने को तैयार नहीं था, वो आज उनको जीजा बनाने को तैयार है। क्या बात है, क्या बात है। रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ,
इधर से उधर गोलाबारी हुई। भारत की सरकार ने कहा हिंदुओं मुसलमानों सिखों ईसाइयों अपने हाथों में तिरंगे ले लो, अपनी बसों पर तिरंगे लगा लो, अपने घरों में तिरंगे लगा लो। बहुत अच्छे। मित्रों यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ, इधर से उधर गोलियां बरसी, भारत सरकार ने एक बात कही कि आप हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो या ईसाई हो अपने हाथों में तिरंगे ले लो, न तो रूस की हिम्मत है न यूक्रेन की हिम्मत है कि एक भी बच्चे पर गोली चला दे। ये 2024 का भारत है, ऐसी की तैसी करके रख दो, ये आपका पावर है साहब। तब पढ़ता हूँ और अब मुझे विदाई देना साहब, और भवानी मंडी दिखाए कि किस तरह आपने छोटे बच्चे को प्यार दिया। मंच का सबसे छोटा कवि पंक्तियां पढ़ता हूँ, क्या परिवर्तन आया, सारी दुनिया साथ खड़ी ये वर्तमान का भारत है, सारी दुनिया साथ खड़ी ये वर्तमान का भारत है। चीन पाक भी बोल रहे हैं लिखी नई इबारत है, सारी दुनिया साथ खड़ी ये वर्तमान का भारत है। चीन क्योंकि धरती जीती अंबर जीता, अब चंदा की बारी है, और ध्वज पर चंदा नहीं हमारे, ध्वज चंदा पर भारी है। धरती जीती अंबर जीता, अब चंदा की बारी है, और ध्वज पर चंदा नहीं हमारे, ध्वज चंदा पर भारी है। ईश्वर अल्लाह नानक गौतम सारे साथ खड़े हैं जी, और भारत माँ के चंद्रयान का चांद जीतना जारी है। कविता के अंतिम पंक्ति पढ़ता हूँ क्योंकि मेरे बाद देश के बड़ी कवि को सुनने के लिए आप सब बैठे हुए हैं। मैं ये उन्हीं की अगवानी में चार पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, क्या है परिवर्तन का देश साहब, शुरू होता हूँ साहब। जब पूरी दुनिया साथ खड़ी ये वर्तमान का भारत है, चीन पाक भी बोल रहे हैं लिखी नई इबारत है, अब दुनिया के दादा हमको वीजा देते रहते हैं, वो पाकिस्तानी पीएम भी भारत को जीजा कहते हैं, और अब भारत के बेटे जाकर अमरीका से एटे हैं, और अब दिल्ली की गद्दी पर तो शेर सरी के बेटे हैं। अरे अब दिल्ली ने जाकर के पिंडी को चाटा मारा है, और जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। जय हिंद जय भारत। और अब मैं